बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप व्यूवर्स? आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। सर्दियों में हाथ देखें खुरदरे और खुशक हो जाते हैं, और इन हाथों को अच्छा बनाने के लिए, नरम मुलायम बनाने के लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। और इस टिप्स के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच सिरका। सिरका आपने जो खानों में यूज़ होता है वो यूज़ करना है। 1 चम्मच लेना है हमने सिरका। और 1/2 टीस्पून हमने लेना है चावल का आटा, 1/2 टेबल स्पून। ये देखें चावल का आटा, और ये बेकिंग पाउडर लेना है। बेकिंग सोडा ले लें, बेशक बेशक बेकिंग पाउडर ले लें, सिर्फ इतना सा। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी हमने 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा लेना है, सिर्फ इतना सा। इन सबको मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। ये हमने सिर्फ अभी हाथों के लिए बनाया है, आप इसको पाँव पे भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसको अपने हाथों पे ट्राई करेंगे। अच्छी तरह से ऐसे अप्लाई करें, अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे आपके हाथ इंशाल्लाह बड़े प्यारे नरम मुलायम खुशक नहीं रहेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। नहीं, इन 10 मिनट में थोड़ा सा सिरका लेना है। सिरका लेके इसके ऊपर फिर अप्लाई करना है, अच्छी तरह से मसाज करेंगे अच्छी तरह से। आपके हाथ इससे बहुत ही प्यारे, बहुत ही नरम मुलायम होंगे इंशाल्लाह। एक बार ट्राई करने से ही आपको पता चल जाएगा। अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है 10 मिनट तक। इसको 10 मिनट छोड़ के बाद में 10 मिनट तक इस पर मसाज करना है अच्छी तरह से। व्यूअर्स, ये जो आपके फिंगर्स पे ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे इससे। डेली आपको तकरीबन ये डेली यूज़ करना चाहिए, 1 वीक तक यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह आपके हैंड सॉफ्ट नरम बहुत ही अच्छे। व्यूअर्स, हमने इस पे 10 मिनट के लिए मसाज कर लिया है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ हैंड वॉश करके। व्यूअर्स ये देखें हाथों का रिजल्ट बहुत ही प्यारे, सॉफ्ट नरम हो गए, बहुत ही अच्छे हो गए हाथ। आप भी डेली ये ट्राई करें और इंशाल्लाह आपके हाथ भी खुरदरे नहीं रहेंगे, नरम मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी। इसी तरह की मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह।